नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के साथ भावी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे गोपालगंज की सुपौली पंचायत, जहां से मुन्नी देवी भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। मुन्नी देवी क्षेत्र के बड़े समाज सेवी जोगिंदर सिंह की पत्नी हैं। जोगिंदर सिंह कहते हैं कि अगर सुपौली पंचायत की जनता ने उनकी पत्नी मुन्नी देवी को सरपंच बनाया तो वो पंचायत के वाद विवाद को पंचायत में ही निपटाने पर जोर देंगी। बिहार में पंचायत चुनाव का राजनीतिक तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायतों में जो सियासी रुझान प्राप्त हो रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार पंचायत के चुनाव में जनता अप्रत्याशित अपना जनादेश देने वाली है और इस बार का चुनाव मुद्दों पर केंद्रित और आधारित है। हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो पंचायत सुपौली से इस बार सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जोगेंद्र सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चूंकि जनता के सेवा के लिए सरपंच पद पर ये उम्मीदवार इस बार बने हैं और इसके पहले भी उम्मीदवार थे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मतलब हमारा तो पहला मुद्दा ये है कि यहाँ पर पंचायत में चुनाव होने के बाद पंचायत से कोई भी केस थाना या जिला में न जाए, हमारा भरपूर प्रयास ये रहेगा। शांति व्यवस्था बनाने का हमारा इरादा है, जो सभी लोग शांति व्यवस्था बना कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा। तो आपके इस पंचायत में सुनने को मिल रहा है, चूंकि हम लोगों ने सर्वे किया, लोग बतला रहे हैं कि यहाँ मामला जो है कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, पुलिस में भेज दिया जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या इस बीमारी को आप दूर करेंगे? एकदम हमारा यही प्रयास है कि एकदम इस बीमारी को दूर कर दें। तो आपके इस सुपौली पंचायत में कौन कौन सा गांव है, जहां जहां आप घूम रहे हैं उसके बारे में बताएं। वहां पर जैसे कि ढेरा सुपौली है, कुंड सुपौली है, मिश्री जी लोग का टोला है और आपका ब्रहिमा है, झंझवा है। अच्छा। और यही मतलब 700-800 गांव है, यही गाँव है। तो इस बार का चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है, तो आपको जनता मौका देती है तो ग्राम कचहरी का जो मतलब अधिकार है उसका सही इस्तेमाल करेंगे आप? सही इस्तेमाल हम करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि कोई भी जनता को कोई तकलीफ ना हो, न्याय के बदौलत न्याय में उनको सहूलियत मिले, आसानी हो। हम किसी को कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। भरसक में हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि सभी जितने भी पंचायत के जनता जनार्दन है, सभी लोग खुशहाल से न्याय के जिए। बिल्कुल, न्याय मिले, न्याय मिले। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी में सरपंच का पद जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद है। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं, उनको पता ही नहीं है कि ग्राम कचहरी में सरपंच का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है। वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, ये अलग बात है, लोकतंत्र है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि पंचायत की जनता को सोच समझ करके ऐसा उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जीत का सौंपना चाहिए जो वाकई जनता के सेवा करने में सक्षम हो और इस बात को अच्छी तरह से जानता भी हो। जोगेंद्र सिंह जी, इस पंचायत की जनता चूंकि इस बार बदलाव के मिजाज में है और आपका जो अभियान चल रहा है, हमारे सर्वे में कहीं ना कहीं लोगों ने बतलाया है कि सरपंच पद के एक योग्य उम्मीदवार हैं, तो कैसे आपको ख्याल आया कि चुनाव सरपंच पद का ही लड़ना चाहिए? पहले से हम देखते हैं कि यहाँ पर न्याय प्रक्रिया में बहुत सी ढिलाई बरती जा रही है पहले, और देखते देखते हम ये सोचे कि भाई इसमें हम लगेंगे, हम अपना सब कुछ त्याग कर अब न्याय प्रक्रिया में हम आगे बढ़ाएंगे, सभी लोगों को न्याय देंगे, सभी लोगों को सुविधा देंगे, कोई बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, यही हमारा प्रोग्राम है, सोच है। तो हम चाहेंगे अपने सहयोगी कैमरामैन से जरा तस्वीरों के माध्यम से इस दिशा में भी लाएं और मैं दिखलाना चाहूंगा कि हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं और यहां आकर के एराइज न्यूज लाइव मीडिया के माध्यम से हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। एक सीधा सवाल सरपंच साहब आपसे ये भी है, चूंकि पंचायत में हम लोग देखते हैं कि ग्राम कचहरी में बहुत जगह कचहरी चल रहा है, अब बहुत जगह पता ही नहीं चलता है, तो बजाबते सरकार ने एक सरकारी वकील भी दिया है कि सरपंच को आप सही कानूनी पक्ष समझाइए, यहाँ ग्राम कचहरी चलता है कि नहीं?
ग्राम कचहरी चलता है लेकिन दरवाजे पर चलता है, दरवाजे पर और मामला वहाँ निष्पादित हो रहा है। थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब सांगो पांग तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा होता है। आइए जोगेंद्र सिंह के बाद से एक और व्यक्ति है, जरा उनसे आपको परिचय करा देते हैं। एराइज मीडिया के माध्यम से हम तमाम क्षेत्रों का जायजा लेते हुए जोगेंद्र सिंह के दरवाजे पर पहुँच करके इनसे ओपिनियन ले रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और पंचायत का चुनाव है तो आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? हमारा मुद्दा इस पंचायत में जोगिंदर सिंह के लिए जी। पूरे समय के लिए हम इनके साथ हैं जी। और इनका सपोर्ट इस बार सुपौली पंचायत में सभी जनता जनार्दन के लिए बहुत अच्छा है। अगली बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और जीत के सुपौली पंचायत को खुशहाली की ओर लेके जाएंगे, न्याय दिलाएंगे, यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अपना शुभ नाम बताइए। गौरी शंकर सिंह। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों का जोरदार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव की सरगर्मी अपने पूरे सबाब पर है, पंचायत का राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। अलग अलग पंचायतों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं फिर से जोगेंद्र सिंह के पास, जो सरपंच उम्मीदवार है सुपौली पंचायत से। रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या शुभकामना देंगे? रक्षाबंधन में सभी को हमारा शुभकामना, सुपौली पंचायत भर के सभी जनता जनार्दन को हम जो रक्षाबंधन की शुभकामना दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।